संविधान रथ पहुंचा अजमेर। 14 अप्रैल 2014 को संविधान रथ बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ से आरंभ हुआ, जो कई राज्यों एवं जिलों का भ्रमण कर आज अजमेर पहुंचा। सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि रथ का उद्देश्य संविधान को बचाना एवं संविधान के बारे में जन जागृति पैदा करना है। संपूर्ण भारतवर्ष में रथ को घुमाकर राज्य की सरकारों और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि विद्यालयों की पाठ्यक्रम में बाबा भीमराव अंबेडकर का पाठ भी शामिल किया जाए। सर, मैं विजयन और बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये संविधान रथ 14 अप्रैल 2014 को संपूर्ण भारत के हर एक प्रदेश, हर एक जिले और हर एक तहसील में बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ से निकला। ये रथ का मेन मकसद है भारत के संविधान को बचाना और भारत के संविधान के प्रति जन जागृति पैदा करना। और हमने भारत सरकार और सभी प्रदेश सरकारों से मांग करी है कि भारत के संविधान को पाठ्यक्रम में लागू कर एक विषय के रूप में अनिवार्य रूप से 5वीं से 12वीं तक पढ़ाया जाए, जिससे भारत का युवा अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य जाने, अपना हक अधिकार जाने और जो देश में ऊंच नीच भेदभाव की जो खाई है उसको खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बना सके। सब हम इसीलिए हर जगह गए, हम शाहीन बाग भी होके आए, हम जामिया होके आए, हम लखनऊ होके आए, हम इंदौर भी होके आए और चित्तौड़ होते हुए अजमेर ख्वाजा साहब के आए। हमारी मांग है जो भारत का संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो फिर एक जाति विशेष कर को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हम ये काला कानून का विरोध करते हैं। सर, अभी संपूर्ण भारत में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये पूरा हो चुका है और अब ये काले कानून के खिलाफ हम 26 तारीख को अपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक नारा लेके निकल रहे हैं। जय भीम का नारा है, संपूर्ण भारत हमारा है। आपके साथ कौन-कौन से शामिल है? सर, हमारे विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन में यूं तो हम 50 मेंबर है, लेकिन अब हम अलग अलग ये यूनाइटेड नेशनल पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये समता सैनिक दल के कमांडर है और भीम आर्मी से भी है, हम सब मिलके ये रथ में एक साथ ये काम कर रहे हैं। मेरा परिचय, मैं एडविन भारती, भारतीय संविधान का ये जो मिशन है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।